न्यू चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे लेवरेज एनालिसिस। क्या है ये लेवरेज एनालिसिस? ये जो लेवरेज एनालिसिस है, इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि अगर एक डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, बल्कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल में अगर चेंज हो जाए तो उसका डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इस चीज़ को समझाने के लिए, बहुत ही चैप्टर आसान है समझाने के लिए, मैं यहाँ पे कुछ फिगर्स लेकर आपको ये सारी बातें एक्सप्लेन करता हूँ। मैं कहता हूँ ऐसे एक कंपनी है, उसकी हमें कुछ जानकारी बताई जा रही है सेल्स के बारे में। सबसे पहले उसकी सेल्स हमें पता चल गई है जो कि से ₹2000। सेल्स के बाद कुछ वेरिएबल कॉस्ट तो होती है, यहाँ से माइनस मैं कर देता हूँ वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट जो इस कंपनी की थी से वो थी ₹1000। जैसे मैं 1000 माइनस कर दूंगा, मेरे पास क्या बचेगी? कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन वो फिगर होती है जो कि सेल्स में से सभी वेरिएबल एक्सपेंस घटाने के बाद बच जाती है। जितने भी आपके एक्सपेंस होते हैं इस चैप्टर में, उन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाएगा। नंबर वन, जो फिक्स रहने वाले, नंबर टू, जो बदलने वाले। तो फिक्स एक्सपेंस तो बदलेंगे नहीं, चाहे काम बढ़े चाहे काम घटे, लेकिन वेरिएबल एक्सपेंस सीधा डायरेक्ट कनेक्शन विद सेल्स जो है वो कनेक्टेड होते हैं। सेल्स अगर डबल हो जाएगी तो वो खर्चा भी डबल हो जाएगा, सेल्स अगर हाफ हो जाएगी तो खर्चा भी हाफ हो जाएगा। लाइक मटेरियल कॉस्ट, अगर एक पीस को बेचने में मुझे ₹10 का मटेरियल लगाना पड़ता है या बनाने में ₹10 का मटेरियल लगाना पड़ता है, तो दो पीस में 20 लगेगा, तीन पीस में 30 लगेगा, चार पीस में 40 लगेगा, पांच पीस में 50 लगेगा। तो ये वेरिएबल कॉस्ट होगी। काम बढ़ेगा तो कॉस्ट बड़ी हो जाएगी, और अगर काम घटेगा तो कॉस्ट छोटी हो जाएगी। जबकि फिक्स कॉस्ट में लाइक रेंट ऑफ द शॉप है, अब चाहे काम बढ़े चाहे घटे मुझे रेंट तो उतना ही देना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस चैप्टर में जितने भी एक्सपेंस हैं उन्हें दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर लेंगे, एक जो फिक्स रहने वाले और एक वेरिएबल। तो सबसे पहले मैंने कौन सी कॉस्ट माइनस कर दी है? वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दी। जैसी वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन, और फिलहाल अगर एग्जाम्पल में वो फिगर में डालूँ तो वो 1000 होगी। उसके बाद फिर अब एक ही कॉस्ट बची, दो ही तरह की कॉस्ट थी, वेरिएबल एंड फिक्स। तो अब क्या करेंगे, इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो भी माइनस कर देते हैं। फिक्स कॉस्ट में मान के चलता हूँ से 500 थी, जैसे मैं माइनस कर दूंगा मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसे बोलेंगे EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कितना बचा बैलेंस मेरे पास? यहाँ पे 500 था तो ऑब्वियसली बैलेंस 500 बचेगा। अब उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मैंने लोन लिया हुआ है, अगर मैंने लोन लिया है तो कुछ इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। मान के चलता हूँ कि इसे मैंने लोन लिया हुआ है, और लोन लिया हुआ है और उसके ऊपर जब मुझे इंटरेस्ट देना पड़ता है से वो 250 इंटरेस्ट देना पड़ता है। 250 इंटरेस्ट अगर मैं दे दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? मेरे पास बचेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसे बोलेंगे PBT, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो कि फिलहाल एग्जाम्पल में कितनी फिगर आ जाएगी? 250। उसके बाद गवर्नमेंट आ जाएगी, कहेगी जी हमें टैक्स भी दो, तो उसके बाद मुझे क्या देना पड़ेगा? टैक्स। ये परसेंटेज में होता है, इसे मान के चलता हूँ 40% गवर्नमेंट ने मेरे से टैक्स ले लिया। 40% टैक्स में मेरे को कितना पैसा देना पड़ेगा? 100। और उसके बाद जो बचेगा वो बचेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 150 रह गया टैक्स देने के बाद। इसी को हम क्या बोल सकते हैं? इसी को बोल सकते हैं हम नेट प्रॉफिट। और यही प्रॉफिट अर्निंग पर शेयर के लिए भी यूज में होता है। जब आपको अर्निंग पर शेयर निकालनी होती है तो इसी प्रॉफिट को आप नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देते हैं, तो आपके पास आ जाती है अर्निंग पर शेयर। ये खुद नहीं है अर्निंग पर शेयर, लेकिन निकलेगी इसी से अर्निंग पर शेयर भी। क्लियर है सबको? अब हम बात करते हैं इस चैप्टर में हमें क्या करना है। इस चैप्टर में हमें लेवरेज निकालनी है। लेवरेज का मतलब है अगर ऊपर वाला पार्ट बदल जाए, सेल्स हमारा है सबसे ऊपर, अगर सेल्स में किसी किस्म का इफेक्ट हो जाए, सेल बढ़ या घट जाए, तो उसका असर हमारे प्रॉफिट पे किस तरह से पड़ेगा। हो सकता है हमारी सेल इस बार 10% बढ़ जाए, और सेल बढ़ेगी तो प्रॉफिट भी आपका बढ़ेगा, लेकिन प्रॉफिट किस परसेंटेज में चेंज होगा उसको निकालना ही हमारा लेवरेज है। इसमें हम टोटल तीन तरह के इफेक्ट, तीन तरह की लेवरेज जो है वो निकालेंगे, और इसके लिए जो मेन की पॉइंट्स हैं, की स्टेजेस हैं जिनके थ्रू निकाली जाएगी लेवरेज, वो मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ कि इन्हीं स्टेजेस का यूज़ करके हम एक लेवरेज अपनी निकाल सकेंगे। हर एक फिक्स एलिमेंट से ठीक पहले वाली स्टेज ली जाएगी। सबसे पहला फिक्स एलिमेंट आपके पास क्या था? फिक्स कॉस्ट। तो इसका ये कॉन्ट्रीब्यूशन जो है ये हमारे लिए फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। फिर फिक्स कॉस्ट घटाने के बाद हमारे पास क्या बचा? EBIT, ये हमारा सेकेंड इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। उसके बाद फिर इंटरेस्ट हमने घटा दिया, उसके बाद क्या बचा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है,
ये जो तीन स्टेजेस हैं, ये तीन स्टेजेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है लेवरेज कैलकुलेशन के लिए। अब मैं एक एक करके लेवरेज पहले कैलकुलेट करता हूँ, फिर उसका असर दिखाता हूँ इसके अंदर। सबसे पहली जो हमारी लेवरेज होती है उसे हम बोलते हैं ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग लेवरेज कहती है कि जो हमारे बिजनेस की ऑपरेशनल वैल्यू है उसमें 1% चेंज आगे कितने परसेंट चेंज बन जाएगा। उसके लिए आपको ये जो दो फिगर है, सिर्फ ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन और ईबीआईटी, सिर्फ इन दोनों फिगर की रिलेशनशिप को यहाँ पे शो करना है कि इनका रिलेशनशिप क्या है। क्या है भी ये रिलेशनशिप? एक हो जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। अगर मैं ये वैल्यू इसमें पुटअप कर दूं फिलहाल एग्जांपल्स के हिसाब से, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1000 डिवाइड बाय 500 इज इक्वल टू 2 times। ये मैंने निकाले, अभी थोड़ी देर में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन मैंने इसमें क्या निकाला? 2 times इसको निकाले। सबको क्लियर है? अच्छा, पहला रिलेशनशिप जो मैंने बनाया वो कॉन्ट्रीब्यूशन और ईबीआईटी को लेकर बनाया। अगला रिलेशनशिप में EBIT और PBT को लेकर बनाऊंगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इस लेवरेज को क्या नाम देंगे? इस लेवरेज को नाम देंगे हम अपनी फाइनेंशियल लेवरेज। इसका फार्मूला हमारा रहेगा फिर से EBIT डिवाइड बाय PBT। अगर यहां पे मैं फिगर डाल दूं एग्जांपल वाली, तो क्या क्या आएगी? एक आएगी 500, दूसरा होगा 250, और ये भी इक्वल टू कितना हो गया? 2 times। आसान है मेरे ख्याल से फार्मूला। तो तीसरा जो हमारा फार्मूला होगा वो होगा कंबाइन लेवरेज। कंबाइन लेवरेज का मतलब होगा जो सबसे पहले था और जो सबसे लास्ट है, सारा कुछ एक ही बार में कवर कर ले, सारा कुछ एक ही बार में कवर कर ले, तो फार्मूला क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय PBT, और ये हो जाएगा 1000 डिवाइड बाय 250 इज इक्वल टू 4 times। क्लियर है? अच्छा, ये जो निकालने का तरीका एक और हो सकता है, अगर आप इन दोनों लेवरेजेस की वैल्यू को मल्टीप्लाई करो तब भी आ जाएगा। तो 2 times ये था, 2 times ये था, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा? 4 times। इन दोनों लेवरेजेस का मल्टीप्लाई हमेशा जो है वो किसके इक्वलेंट होगा? हमारा कंबाइन लेवरेज के इक्वलेंट होगा। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आई है उनका क्या मतलब है वो जरा समझ लें। इसी से फिर हमारा इसका एक दूसरा टाइप का जो सेट है फार्मूले का वो भी निकल जाए। इनके दो फार्मूले हैं हर एक को निकालने के। दूसरा जो सेट है उसके लिए मैं यहाँ पे फिगर डालता हूँ। ये 2 times हमारा है, ऑपरेटिंग लेवरेज कितना आया? 2 times। इसका मतलब ये हुआ, ऊपर अगर हर 1% का चेंज होगा तो नीचे उसका 2% का डबल चेंज होगा। ऊपर अगर तुम्हारी सेल 5% बढ़ गई तो नीचे तुम्हारी ईबीआईटी 10% बढ़ जाएगी। ऊपर अगर हमारी सेल्स 15% बढ़ गई तो नीचे आके ईबीआईटी लेवल पे वो 30% हो जाएगी, डबल हो जाएगी। 11% ऊपर चेंज होगा तो नीचे 22% का चेंज आपको नजर आएगा। 2 times हमारे प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे जितनी भी परसेंट सेल्स में चेंज होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्या ये बात सही आती है, क्या ये जवाब सही आता है। तो मैं अपनी सेल्स जो है उसको सिर्फ 10% इंक्रीज कर देता हूँ और देखते हैं कि लास्ट तक हमारे क्या पोजिशन बदलती है। तो अभी हमारी सेल्स जो है वो 2000 है, 10% वैल्यू इंक्रीज करनी है, 10% सेल मुझे बढ़ानी है। 10% माने 200 बढ़ जाएगी, और 200 अगर बढ़ जाए तो न्यू वैल्यू जो हो जाएगी हमारी वो कितनी हो जाएगी? 2200। ठीक है, 2200 होगी न्यू वैल्यू। अच्छा, अभी मुझे बताइए वेरिएबल कॉस्ट और डायरेक्ट रिलेशनशिप में, पहले आधी थी 2000 की 1000, तो 2200 की आधी रहेगी, कितनी हो जाएगी? 1100। अच्छा, प्रॉफिट भी मेरा कंट्रीब्यूशन भी बढ़ के कितना हो जाएगा? 1000 था उसकी जगह हो जाएगा 1100। लेकिन क्या मुझे फिक्स कॉस्ट भी बढ़ानी पड़ेगी? नहीं, फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ेगी। फिक्स कॉस्ट हमारी कितनी रहने वाली है? 500 ही रहने वाली है, और मेरा ईबीआईटी जो है वो कितना हो गया? 600 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, उसका क्या इंटरेस्ट भी बढ़ने वाला है? नहीं, इंटरेस्ट नहीं बढ़ने वाला, इंटरेस्ट 250 ही रहेगा। तो मेरा यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो गया? 350। टैक्स लेकिन मेरा चेंज हो जाएगा, पहले भी 40% देता था, अभी भी 40% दूंगा। तो 350 का अगर मैं 40% निकालूं तो मुझे पहले 100 देना पड़ता था, अब 140 देना पड़ेगा, और मेरा जो प्रॉफिट है वो 210 हो जाएगा। क्लियर है? अब जा देखते हैं कि हमारे इसके अंदर जो डिफरेंसेस हुए वो कितने कितने डिफरेंस कितने कितने निकले। ये है हमारा लेवल नंबर 1, ये है हमारा लेवल नंबर 2। अब मैं डिफरेंस निकाल रहा हूँ जो कि एक्चुअल में 2 में से 1 को माइनस करके आएगा।
तो यहाँ पे 200 का चेंज है, यहाँ पर 100 का चेंज है, यहाँ पे भी 100 का चेंज है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, यहाँ पर 100 का चेंज है, यहाँ पर कोई चेंज नहीं है, यहाँ पर फिर 100 का चेंज है, यहाँ पर 40 का चेंज है और यहाँ पर 60 का चेंज है। मैंने चेंजेस निकाल लिए, ठीक है। अच्छा, अब ये चेंज जो है वो परसेंटेज में निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ चेंज। जो परसेंटेज ऑफ चेंज है वो कितना हुआ है, कैसे निकालेंगे हम इसके अंदर, ये जो कॉलम नंबर 1 है और कॉलम नंबर 3 है उनकी फिगर को यूज़ करेंगे। ये जो फिगर्स हैं हमारे पास 2000 और 200, वो परसेंटेज में देखते हैं कितना कितना है, ये 200, 2000 और ये 200। कैसे, हम कहेंगे जी 200 डिवाइड बाय 2000 मल्टीप्लाई बाय 100 और ये 10% है। यही मैंने बताया था 10% चेंज करना है। यहाँ पे भी आप अगर चेंज देखोगे तो 100 डिवाइड बाय 1000, इस वाले कॉलम की फिगर, ये वाली फिगर को इससे कंपेयर करना है, हर एक फिगर को, तो कितना आएगा, ये भी 10%। और यहाँ पे भी आपका 100 डिवाइड बाय 1000 बेस से कंपेयर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10%। 10% यार, अब यहाँ पर तो कोई परसेंटेज है ही नहीं, जीरो है। अब यहाँ पे देखते हैं 100 डिवाइड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 100, ये कितना आ गया, मैंने पहले ही बता दिया था, ऊपर अगर 10% चेंज होगा तो नीचे तुम्हारा चेंज कितना होगा, 20%। और लास्ट में आके 4 times हो गया, लास्ट में देख लेना 40% चेंज निकलेगा तुम्हारा, 4 times हो जाएगा। यहाँ पे कितना चेंज है, कोई चेंज नहीं है। अब यहाँ पे 100 डिवाइड बाय 250 मल्टीप्लाई बाय 100, ये कितना है, ये भी हमारा अगर चेक करेंगे तो 40% हो गया। तो अब आप चेक करें कितना हो गया, 40%। और यहाँ पर 40 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, ये भी 40%। और यहाँ पे हो गया 60 डिवाइड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 100, 40%। क्लियर है सबको, जो वैल्यूज मैंने इसके अंदर निकाली है वो किस तरीके से निकाली है। अब जा देखते हैं हमारी फाइनेंशियल एवरेज क्या कह रही थी। फाइनेंशियल एवरेज कह रही थी भाई, जो ईबीआईटी से फर्स्ट जो चेंज होता है वो इसके बीच का चेंज है 2 times, दूसरा जो चेंज है वो इसके बीच का चेंज है 2 times, और जो लास्ट है वो दोनों के कंबाइंड चेंज है 4 times। चेक कर लो क्या यहाँ से यहाँ तक आते थे फिर से 2 times नहीं हो गया, यहाँ पे 20% था, इसका 2 times किया तो कितना आ गया, और अगर यहाँ से कोई कंपेयर करे तो बिल्कुल 4 times। तो हमारा ये इफेक्ट जो है वो क्या बताता है कि हम कितने ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग है, जितने ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग होंगे उतनी तेज़ी से आपकी लेवरेज जो है कम या ज़्यादा होगी। और ध्यान रखना ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती है तुम्हारे लिए, मतलब हाई लेवरेज से तुम्हें जिस समय आप बूम की पोजीशन में, मार्केट अप जा रही है, उस समय तेज़ी से प्रॉफिट बढ़ते हैं। अगर तुम्हारी सेल में 1% का चेंज होगा, प्रॉफिट के अंदर फाइनल प्रॉफिट में 4% का चेंज हो जाएगा। तुमने अगर अपनी सेल 5% बढ़ा दी, प्रॉफिट तुम्हारा 20% बढ़ जाएगा। सेल तुम्हारी 25% बढ़ गई, प्रॉफिट तो डबल ही हो जाएगा, 100% बढ़ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना रिसेशन में उतनी ही तेजी से नीचे भी गिरेंगे। अगर तुम्हारी सेल 1% कम हो गई तो प्रॉफिट 4% टूट जाएगा। तुम्हारी सेल में अगर 10% की कमी आ गई तो प्रॉफिट 40% तेजी से नीचे भी गिरेगा। तो ये जो हमारी लेवरेज होती है उसका सीधा इफेक्ट हमारे बिजनेस की गेयरिंग पे पड़ता है। गेयरिंग का मतलब होता है, गेयर आपने देखा होगा गाड़ी में, गेयर होते हैं, स्कूटर चलाएं, बाइक चलाएं, कार चलाएं, तो उसमें गेयर डालने पड़ते हैं, फर्स्ट गेयर, सेकंड गेयर, थर्ड गेयर, फोर्थ गेयर, इस तरह से गेयर होते हैं। अच्छा, आपके जो गेयर होते हैं उसका स्पीड से भी कोई कनेक्शन होता है क्या? हाँ जी, अगर आपको स्लो स्पीड में गाड़ी चलानी है तो आप लो गेयर में रखते हैं, और जैसे जैसे स्पीड बढ़ानी होती है हम अपना गेयर हाई करते जाते हैं। हाई गेयर से हम बहुत जल्दी बहुत बड़ी डिस्टेंस को कवर कर पाते हैं, तेजी से हमारी गाड़ी चलती है इसलिए डिस्टेंस को कवर फास्ट कर लेते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करने के लिए हाई गियर डाला जाता है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना जितना ज़्यादा हाई गियर आप लेते हैं उतना ही ज़्यादा आप रिस्क भी लेते हैं। जितना लो गियर में आप गाड़ी चलाएंगे उतना लो रिस्क होगा। अगर मैं फर्स्ट गियर में गाड़ी चलाऊं तो आगे जितनी मर्जी बड़ी हर्डल आ जाए मेरा एक्सीडेंट नहीं होगा, और अगर एक्सीडेंट हो गया तो उसमें चोट नहीं लगेगी, क्योंकि गाड़ी इतनी स्लो चल रही है कि जैसी मर्जी सिचुएशन है उसको संभाला जा सकता है। किसी ने आके ठोक भी दिया तो ज़्यादा कुछ डैमेज होगा नहीं।
लेकिन जब आप हाई गियर में चलते हैं आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, आप डिस्टेंस बहुत तेज़ी से कवर करेंगे, लेकिन उसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम हो गई, उसमें अगर एक्सीडेंट हुआ तो बचने के चांस फिर मुश्किल भी हो सकते हैं। सेम हमारे बिजनेस में होता है, जब आप बहुत तेज़ी से बहुत हाई अगर आपकी ये रेशो निकलते हैं, मतलब आप बहुत हाई हाई गियर में चल रहे हैं, 8 times आ जाए रेशो, 9 times आ जाए, 10 times रेशो आ जाए, मतलब बहुत हाई गियर में, ऊपर 1% सेल बढ़ेगी, नीचे 10% प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो बहुत हाई गियर में आप, बहुत हाई गियर में मतलब बहुत तेज़ी से आपके प्रॉफिट बढ़ेंगे, बहुत तेज़ी से। लेकिन जितनी तेज़ी से प्रॉफिट बढ़ेंगे उतनी तेज़ी से गिर भी सकते हैं वो, क्योंकि सेल अगर 1% डाउन होगी तो तुम्हारा प्रॉफिट फिर 10% डाउन हो जाएगा, और 5% सेल डाउन तो तुम्हारा प्रॉफिट जो है 50% डाउन हो जाएगा। तो ये हाई गियर बताते हैं, ठीक है। तो हमें मीडियम गियर में रहना चाहिए, बहुत हाई भी रहना अच्छी बात नहीं है, बहुत लो भी होना अच्छी बात नहीं है। बहुत हाई हो गए तो रिस्क एसोसिएटेड है, कभी भी बिजनेस में कोई प्रॉब्लम हुई तो बिजनेस बंद करना पड़ सकता है। बहुत लो में रहोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा प्रॉफिट अर्न करने में, ठीक है। तो ये जो है ये हमारे को बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बताता है कि हमारे प्रॉफिट में और हमारी सेल्स में क्या कनेक्शन बन रहा है, क्या रिलेशनशिप बन रहा है, ठीक है। ये जो मैंने फार्ले निकाले हैं उनको निकालने का दूसरा भी तरीका, ये मैंने आपको सबसे पहले वो वाला तरीका बताया जो आसान है, बहुत ही आसान फार्ले, बस दूसरे चैप्टर में तीन ही फार्ले हैं, तीन ही चीज़ें निकालनी। नंबर 1 ऑपरेटिंग लेवरेज निकालना आना चाहिए, नंबर 2 फाइनेंशियल, और नंबर 3 कंबाइंड लेवरेज निकालना आना चाहिए। इसको निकालने का जो ऑल्टरनेट फार्मूला है वो है ये परसेंटेज जो निकली है उनको भी यूज़ करके निकाला जा सकता है। जैसे कि आप देखें तो पहला वाला फार्मूले में इन दोनों चीज़ों का रिलेशनशिप था, इन दोनों का था ना। एक चीज़ आप और नोटिस करना कि ये रिलेशनशिप पहले तीनों पॉइंट में सेम ही रहे और लास्ट में बॉटम 3 पॉइंट में भी सेम ही रहे, ये बदला नहीं है। अगर देखूँ मैं तो तीन कैटेगरी बनी इसकी, एक कंट्रीब्यूशन से ऊपर वाली कैटेगरी वो सेम ही है, उसमें कोई भी पॉइंट उठा लो वो सेम ही वैल्यू मिलेगी, और एक टैक्स के बाद सॉरी पीबीटी के बाद उसमें भी कोई सा भी पॉइंट उठा लो वैल्यू सेम ही मिलेगी। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसमें लिखेंगे परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन, परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ये हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस होती है, क्योंकि सेल्स आप शुरू में उठा लो फिर आगे दो स्टेप उठाने की जरूरत क्या है। वैसे तो इसको नीड किसकी है, वैसे तो इसको नीड सॉरी इसके अंदर परसेंटेज चेंज इन, यहां पे लिखना था मुझे ईबीआईटी, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, मुझे इन दोनों का रिलेशनशिप बनाना है, डिवाइड बाय परसेंटेज इन कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वैसे तो, लेकिन इसके अंदर परसेंटेज इन कॉन्ट्रीब्यूशन की वजह तुम सेल्स ले लो, शुरुआत का पॉइंट ले लो, बात तो वही आएगी। तो इसके लिए इसके अंदर सेल्स ले सकते हैं और क्या ले सकते हैं, इन कंट्रीब्यूशन भी आप ले सकते हैं। अगर मैं ये अप्लाई करूं तो मुझे 20% का नीचे देखो चेंज नजर आ रहा है और ऊपर कितना था 10, तो इसका मतलब आंसर कितना आ गया, आंसर तो वही 2 times आया है जो कि मैं पहले आसानी से निकाल चुका हूं, एक ही लेवल से निकाल चुका हूं, मुझे 2 levels करके निकालना पड़ा, निकल चुका था 2 times, वही सेम जवाब मेरा दोबारा आ गया। अगली बार क्या करेंगे, अगली बार कहेंगे भी ये दोनों पॉइंट का रिलेशनशिप बनाने, ये वाले दोनों पॉइंट का, तो उसमें पीबीटी परसेंटेज चेंज इन, एक्चुअल में आपको मोस्टली इसमें लास्ट फार्मूला मिलता है कि अर्निंग पर शेयर, जब क्वेश्चन मिलता है तो उसमें सीधा ही प्रॉफिट वगैरह टैक्स वगैरह देकर निकाल देते हैं, भैया अर्निंग पर शेयर इतना है, वैसे अर्निंग पर शेयर इससे ही निकलती है। तो आपको नॉर्मली या तो टॉप देगा वो या तो बॉटम देगा, बॉटम देगा तो ये वाला लेवल होगा, बाकी ये वाला लेवल ना हो ये वाला लेवल हो हमारे लिए बात सेम ही है। इसकी जगह क्या ले सकते हैं, पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बात एक ही है, चाहे ये लो चाहे लो, इवन टैक्स भी ले सकते हैं, लेकिन टैक्स तो एक्सपेंस है इसलिए वो हमारे लिए हम जनरली यूज नहीं करते। प्रॉफिट ये भी है और प्रॉफिट ये भी है और दोनों की परसेंटेज चेंज 40 है, डिवाइड बाय किससे करेंगे, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, और ये अगर मैं निकालूं तो 40 डिवाइड बाय 20 करने से कितना आएगा, 2 times, पहले भी 2 times ही आया था। तीसरा कंबाइंड लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज में क्या हो जाएगा, टॉप और बॉटम, तो टॉप और बॉटम में क्या हो जाएगा, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस या फिर पीबीटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स या कंट्रीब्यूशन। तो यहां पे आप देखेंगे तो 40% होगा और टॉप में कितना था 10%, तो कितना आ जाएगा 4 times। तो ये जो तरीका आपका पहले निकाला था, पहले थोड़ा सा आसान तरीके से हमने निकाला था, सीधा एक ही लेवल से निकाल दिया था, दूसरे तरीके लिए आपको 2 levels चाहिए,
फर्स्ट जो फाइल है उसके लिए सिर्फ सिंपल एक ही लेवल चाहिए, कोई एक लेवल तुम्हें बता दे उससे आप काम कर सकते हो। दूसरा तरीका जवाब सेम है, लेकिन उसके लिए आपको दो लेवल निकालने पड़ेंगे, दो लेवल के बाद बीच में कितना डिफरेंस है वो निकालना पड़ेगा, उससे परसेंटेज चेंज निकालना पड़ेगा, और उसके बाद फार्मूला लगाओगे। फार्मूला जब तुम लगाओगे तो जवाब आपको सेम ही मिलेगा, जो पहले मिला था वही वाला जवाब बाद में मिलेगा। इसलिए आपके लिए ये वाला फार्मूला सबसे बेस्ट है, जिसको आसानी से आप यूज़ कर सकते हैं। बाद में इस चैप्टर में जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ये काम के अलावा बस एक ही और चीज़ का सवाल वो पूछता है, सिर्फ दो ही सवाल पूछता है, या तो पूछेगा लेवरेज बता दो, वो तो कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है। दूसरा वो कहेगा जी हम कुछ टारगेट देते हैं, उस टारगेट को अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा वो आप बताइए। उसके अंदर वो टारगेट आपके या तो स्टेट से रिलेटेड होंगे, या तो इन स्टेजेस से रिलेटेड होंगे, या तो इन स्टेजेस से रिलेटेड होंगे। ध्यान रखना इन दोनों के बीच की लेवरेज और इन दोनों के बीच की लेवरेज मल्टीप्लाई या डिवाइड होगी आपको आगे या पीछे ले जाने के लिए। अगर आप बैक आना चाहते हैं, अगर आप कभी भी बैक आना चाहते हैं, तो जो लेवरेज आपको आई हुई है उसको क्या कर देना, डिवाइड कर देना, आप बैक चले जाओगे। और अगर आप फॉरवर्ड जाना चाहते हो तो मल्टीप्लाई कर देना। बस इतना सा रूल आप फॉलो कर लेना, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। ये दो रूल है। किसी भी लेवल से अपर लेवल की तरफ आ रहे हो तो डिवाइड कर देना, और लोअर लेवल की तरफ आ रहे हो तो मल्टीप्लाई कर देना। अब मैं क्वेश्चन तुम्हें देता हूँ, मैं कहता हूँ जी मैंने टारगेट सेट कर लिया कि इस बार मुझे अपना प्रॉफिट कम से कम 50% बढ़ाना है। कितना प्रॉफिट बढ़ाना है? 50%। तो इसका मतलब मैंने तुम्हें ये दे दिया, इनमें से कोई भी पीबीटी हो या पीएटी हो या फिर प्रॉफिट नेट प्रॉफिट हो, ये मुझे कितना चाहिए टारगेट, 50%। और बीच में मेरी 2 times यहाँ पे लेवरेज निकली हुई है और 2 times ही लेवरेज यहाँ पे भी निकली हुई है। तो अगर मैं अपर जा रहा हूँ तो मैं डिवाइड करता चलूंगा, तो यहाँ पे अगर 50% 2 से डिवाइड कर दूँ तो यहाँ पे कितना रहेगा, 25%। और यहाँ से अब मैं और अपर जाना चाहता हूँ तो फिर से 2 times डिवाइड करूँगा तो कितना जाएगा, 12.5%। दैट्स इट, यहाँ पर हमारा काम जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, वाला पॉइंट क्लियर है? अच्छा, अगर आप डायरेक्ट आना चाहते हो तो डायरेक्ट देखोगे तो रिलेशनशिप 4 times हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट इसको 4 से डिवाइड कर दोगे। अच्छा, एक चीज़ इसमें और हो सकती है, कभी वो आपको ऊपर से नीचे बुला सकते हैं, ऊपर से नीचे आएंगे तो वो मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे। किसी और क्वेश्चन में कहेगा जी यहाँ पे मेरा जो टारगेट रेट है वो है 8%, मुझे बताइए कि प्रीवियस क्या होगा और नेक्स्ट क्या होगा। हम कहेंगे जी प्रीवियस आपका होगा 4% और नेक्स्ट हो जाएगा 16%। बस इतना ही इस चैप्टर के अंदर होना है, बस इतना ही, कंप्लीट है।